देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। आज कुछ ऐसा ही दिन है। कल जैसे मैंने आपको बताया था, मिस्ट था, फॉग था, बारिश भी हो रही थी। आज बिल्कुल ब्राइट सनशाइन है, काफ़ी मज़ा आया। अभी आशी को छोड़ के आ रहा हूँ और फिर अभी वापस अपने काम में लगूँगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। ये देखो खुदा पहाड़ निकला चूहा। सो इन्वर्टर में अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, ओवरलोड दिखा रहा था बार बार। जब भी लाइट जाती थी ना, इन्वर्टर कनेक्शन लगाया। सो हमारे यहाँ जनरेटर भी है अपार्टमेंट में, बट जनरेटर स्विच होने में करीब 5-10 मिनट का टाइम लेता है। तो हो क्या रहा था कि जब बीच में इन्वर्टर चलता था, अभी पिछले 10 दिनों से इन्वर्टर ओवरलोड दिखा रहा था इन्वर्टर। तो अभी समझ में नहीं आया था कि इन्वर्टर ख़राब है, बैटरी ख़राब है। अभी भैया आके चेक करके गए, अर्बन क्लब से मैंने बुक किया था, तो यहाँ पूरा रस्ट लगा हुआ था। अब वो रस्ट साफ तो कर दिया, मैंने भी किया था पहले, मुझे भी चेक था कि उसी से प्रॉब्लम है, लेकिन श्योरिटी नहीं थी। पर भैया ने मल्टीमीटर ला के सब चेक किया, तो मल्टीमीटर से ये तो क्लियर हो गया कि रस्ट से प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब ये देखो, ये जो है ना पॉइंट्स, ये ख़राब हो गए। तो भैया गए हैं वो लाने नया पॉइंट्स। वो स्विच भी टूट गया, उसको भी बोला रिपेयर कर दो। छोटे मोटे और कुछ कुछ काम है तो वो भी करा लेंगे। मैं ना कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। सो अभी ये पिछले 10 दिनों से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मतलब पहले ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर पिछले 10 दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मतलब लाइट जाते ही ओवरलोड हो जाए और हमें लगे कि पता नहीं क्या जल रहा है। जब चेक किया तो कुछ जल ही नहीं रहा है, मतलब कोई भी लोड ही नहीं है सिस्टम पर। सो क्यों हो रहा समझ में नहीं आ रहा था। तो आज अर्बन क्लब से बुक किया था मैंने, वीकेंड पर बुक किया था, पर वीकेंड पर मिला नहीं। फिर आज का लॉट मिला था, तो आज सुबह दिखा लेता हूँ। तो जो भैया आए थे काफ़ी नॉलेजेबल है। मैं सोचा और भी 2-3 काम पड़े थे, मेरे रूम में भी कुछ काम था, वो भी करा लेता हूँ। तो आज बोला उसको, तो मैंने बोला कर दूँगा। वो भी गए कुछ सामान लाने, सामान लेके आते हैं तो देखते हैं तो काम हो जाएगा। सो बड़ा वो होता है, मतलब घर रख मैं कुछ सामान रखो ना तो बड़ा केयर करना पड़ता है, और कभी ख़राब हो जाए तो बड़ा अफसोस लगता है। ख़राब होते ही रहता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं हो, हमेशा 1-2 महीने पर कुछ ना कुछ नया लगा रहता है। अभी मैंने पूरा रिपेयर कराया था इसको, बैटरी लास्ट ईयर ही मैंने पूरा चेंज कराई। ये जो बैटरी आप देख रहे हो पूरा ना एमरॉन का, ये वाली, ये पूरी नई बैटरी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको। आई थिंक मई जून में 1 साल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम में ये प्रॉब्लम हुआ था, इन्वर्टर का कैपेसिटी बढ़वाया, बैटरी का कैपेसिटी बढ़वाया, क्योंकि अप्लायंसेस बहुत रखे हैं मैंने, तो लोड नहीं ले पाता है, पिछला वाला नहीं ले पा रहा था। तो जब मैंने इन्वर्टर चेंज किया तो मैं सोचा बड़े कैपेसिटी का इन्वर्टर ले देता हूँ, तो ये बड़ा कैपेसिटी का लिया, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम अब शुरू हो गया। एक मतलब बावजूद तो नहीं कहूँगा, लेकिन 1 साल भी नहीं हुआ और ये नया प्रॉब्लम। तो वही अभी चेंज करेगा ये बैटरी, तो शायद उससे प्रॉब्लम ना, मैं बैटरी तो नहीं लेकिन वो पॉइंट चेंज कर देगा ना, तो रस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने से कोशिश किया था पर शायद भी कर नहीं पाया था, शायद क्या कर ही नहीं पाया था, प्रोफेशनल ही कर पाते हैं अच्छे से। और वो कह रहा है कि वो रस्ट साफ करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो जो उसका पॉइंट है ना वो ख़राब हो गया, मेटल गल गया, तो अब वो मेटल चेंज ही करना पड़ेगा। तो बेटर है वो चेंज ही कर दे, सफाई कितनी बार करते रहेंगे। तो यही है गाइस, अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, अभी 1:45 में भैया आए थे, मैंने अभी थोड़ा ब्रेक लिया ऑफिस के काम से, थोड़ा ये सब दिखवा रहा था। चलते हैं, तब तक भैया सामान लेने गए, हम थोड़ा ऑफिस में बैठते हैं, कुछ कुछ काम निपटा लेते हैं। सभी लोग आए थे आशी को पिक करने, तो आशी देखो इधर से गई उधर गई, कहाँ गई इधर आई कहाँ गई फिर कहीं गई,
चलते चलते गिर गई। तो आशी को लेने आए थे और साथ में कंचा भी आई हुई थी। तो कंचा भी यहाँ किसी से मिलना था तो चलो आशी को भी इस बार पिक करके साथ में लेते आप। एक बन दो का हो जाएगा। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं उनका जिनको आना है। तो आशी का तो आज चांदी हो गया, घर का खाना नहीं मिला, बाहर का खाना मिल गया। आज जरूर खाने को मिल गया बाहर। है क्या खाया बेटा? रैप। ओके रैप, रोली रैप। आशी ने रैप खाया। यो रैप कौन सा रैप बेटा? हाँ नेम नहीं पता। अच्छा तो कैसे खाई तुम? दांत में तो दिख रहा बेटा क्या खाई। अभी साफ हो गया, देखो की करो। तो बस अभी मिलेंगे और घर जाएंगे। घर पे वो ट्यूशन वेट कर रहा हूँ, कुछ काम बोला के आया हूँ, वेट कर रहा होगा सभी काम खत्म करवाने। अगर आप आशी का बैग देखेंगे तो चार गाउन लूट के आती है, चार गाउन लूट के सामान रखती है, इतना ज्यादा सामान होता है। हनुमान जी की भक्त है, पहाड़ का एक टुकड़ा ये भी उठा के चलती है। नहीं, चार गाउन लूट के रखती है। कौन था वो डॉक्टर? डाकू पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर है ये भी। चार गाउन लूट के रखी है अपने बैग में। मतलब क्या लेके जाते हो इतना सारा सामान बैग में? बुक्स। इतना बुक्स रोज नहीं पढ़ते तुम बेटा? और एबीएल्स का भी तो रखना होता है। तो घर क्यों लेके आना होता है? डॉक्टर तो मिला तुमको, घर पे तो कुछ करती नहीं एबीएल्स का तुम। बहुत कुछ रखते क्यों रखते हो? तो पूछ रहे